विनय हॉस्पिटल से जल्दी घर आ गया। आज वो अपने दोस्त के साथ लड़की देखने जाने वाला था। तैयार होकर दोनों लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। कुछ देर बात करने के बाद तन्वी चाय की ट्रे ले आई। गुलाबी रंग की साड़ी में खुले बाल में तन्वी बहुत अच्छी लग रही थी। 26 साल की तन्वी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। वो एक साधारण परिवार से थी। कुछ देर विनय और तन्वी ने अकेले में बातें की और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। बारात विदा हुई। कार में विनय, तन्वी और विनय का दोस्त बैठा था। कुछ देर बाद विनय का मोबाइल बजा। विनय ने ड्राइवर से कहा, कार साइड में रोक दो, और कार से उतरकर बातें करने लगा। तन्वी ने पूछा, इतनी देर विनय किससे बात कर रहा है? तभी विनय के दोस्त ने कहा, डॉक्टरों को चैन कहाँ, कभी भी कोई इमरजेंसी कॉल आ जाता है। तन्वी का मन ये सुनकर थोड़ा शांत हुआ। तन्वी विनय के घर आ गई। विनय के घर में बहुत कम मेहमान थे, उसकी बुआ, मौसी और कुछ जान पहचान वाले। सभी रस्में उन्होंने ही निभाई। 2-3 दिनों के बाद सभी अपने घर चले गए। अब घर में रह गए विनय और तन्वी। विनय ने तन्वी से पूछा, तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? तन्वी ने कहा, जहाँ आप ले जाए मुझे, तो बस आपके साथ समय बिताना है। विनय ने सोचा, तन्वी को अपने गांव की पुश्तैनी हवेली ले जाता हूँ। वहाँ चारों ओर बहुत हरियाली है और वह जगह पहाड़ों से घिरी भी हुई है। विनय ने कहा, तुम सामान पैक कर लो, कल हम एक खूबसूरत जगह पर जाने वाले हैं। तन्वी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? विनय कुछ कहता उससे पहले उसका मोबाइल बज गया और मोबाइल देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो कमरे से बाहर बालकनी में जाकर बात करने लगा। तन्वी ने फिर सोचा, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी कॉल आ जाता है जिसे देख विनय चिंतित हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब विनय कमरे में आया तो तन्वी ने पूछा, किसका कॉल था? विनय ने कहा, वो सब छोड़ो, चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। तन्वी तैयार होने लगी, पर मन तो उसका उस सवाल से घिरा था कि विनय ने क्यों नहीं बताया किसका कॉल था। फिर दोनों मूवी गए और देर रात घर आए। अगले दिन कार से गांव जाने के लिए निकल गए। बहुत ही सुंदर नजारा था। कहीं कहीं रुक रुक कर दोनों ने तस्वीरें भी ली। 3 घंटे सफर के बाद वे पहुंच गए। गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे ही हवेली आई और तन्वी कार से उतरी, हवेली को देखकर हैरान हो गई। तन्वी ने देखा, हवेली के बाहर लिखा था कृष्णा हवेली। तन्वी ने पूछा, ये हवेली किसकी है? विनय ने कहा, ये हवेली मेरे पिता की है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, तो उनके पिता ने ये उन्हें दी है। फिर एक 25 साल की लड़की हवेली से बाहर आई। उसे देख विनय ने तन्वी से कहा, ये माला है, सावित्री काकी की बेटी है। पहले काकी हवेली की देखरेख करती थी, अब माला करती है। माला सारा सामान अंदर ले गई। तन्वी भी उसके साथ अंदर चली गई। देखती है हवेली बहुत ही सुंदर है, कई कीमती और पुरानी चीजों से सजी हुई है। उसने ऐसी आलीशान हवेली कभी नहीं देखी थी। माला तन्वी से कहती है, भाभी आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तन्वी कमरे में चली जाती है। देखती है बड़ा ही आलीशान कमरा है, सुंदर पेंटिंग, झूमर, सोफे, कालीन, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों खाने के बाद कुछ देर आराम कर घूमने निकल गए। चारों तरफ हरियाली, सुंदर दृश्य, छोटे छोटे कई तरह के रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पहाड़, झरना, सब कुछ तन्वी को बेहद पसंद आया। अगले दिन तन्वी ने माला से कहा, आज मैं विनय की पसंद का खाना बनाऊंगी, तू मेरी मदद करना। तन्वी ने सारा खाना विनय की पसंद का बनाया। विनय खाना देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही विनय ने 1-2 निवाले खाए, फिर उसका फोन बज गया। तन्वी कहती है, विनय पहले खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा, फिर फोन पर बात करना। पर विनय तन्वी की बात को नजरअंदाज कर फोन उठाकर बात करते हुए बाहर चला गया। तन्वी सोच में पड़ गई, आखिर किसका फोन है जो मुझे नजरअंदाज कर मेरे बनाए खाने को यूं ही छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद विनय अंदर आया और तन्वी से कहता है, सॉरी। तन्वी ने पूछा किसका कॉल था, पर विनय बात को पलट देता है और कहता है, बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाना खाते हैं, और तन्वी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। फिर शाम को
वो दोनों गांव घूमने जाते हैं। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर खेतों में घूमने जाते हैं, पेड़ पर से आम तोड़कर खाते हैं। पर तन्वी अब भी सोच में डूबी रहती है। रात को विनय तन्वी को खेत में बने मचान पर ले जाता है। चांदनी रात में दोनों वहां एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठकर बातें करते हैं। अगले दिन विनय नहा रहा था और तन्वी कमरे में फूलदान में फूल सजा रही थी। तभी विनय के मोबाइल की घंटी बजती है। तन्वी मोबाइल में नाम पढ़ती है आर्यन। वो फोन उठाने जाती है पर फोन कट जाता है। तभी मैसेज अलर्ट टोन बजता है। वो मैसेज देखती है, मैसेज किसी आर्यन का ही होता है। पॉपअप से वो बस इतना पढ़ पाती है कि पापा फोन क्यों नहीं किया। लॉक लगा होने के कारण वो पूरा मैसेज पढ़ नहीं पाती है। तन्वी पापा शब्द पढ़कर सोच में पड़ जाती है। आखिर ये आर्यन है कौन और विनय को पापा क्यों कह रहा है? कहीं विनय तलाकशुदा तो नहीं और उसका एक बेटा हो? उसने मुझे धोखा दिया क्योंकि पढ़ा लिखा पैसे वाला इंसान मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी क्यों करेगा? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उसने विनय से पूछना चाहा पर वो कश्मकश में थी कि पूछे या ना पूछे। वो पूरा दिन उदास और बेचैन थी। विनय ने बाहर घूमने जाने को कहा पर तन्वी ने सिर दर्द का बहाना बना लिया। रात को 2 बजे के आसपास तन्वी की नींद खुली और देखा कि विनय बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढती है। उसे एक कमरे की लाइट जलती दिखी। वो उस कमरे में जाने लगी पर दरवाजा अंदर से बंद था। तन्वी वापस आकर सो गई। कुछ देर बाद विनय भी आकर सो गया। तन्वी सुबह देखती है अब उस कमरे के दरवाजे में ताला लगा हुआ है। अगले दिन सुबह विनय गार्डन में बैठा चाय पी रहा था। तन्वी रसोई में माला के पास गई और पूछती है उस कमरे में ताला क्यों लगा है? माला कहती है पता नहीं भाभी, जब से मैं यहाँ काम करती हूँ तब से वहाँ ताला लगा है। भैया के पास चाबी रहती है, उन्हें ही मैंने उस कमरे में जाते देखा है। और हाँ, वो कमरे में जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक दो बार भैया से कहा भी सफाई करने का पर उन्होंने कहा उस कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन तन्वी और ज्यादा परेशान हो गई। सोचती है आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य क्या है। रात को तन्वी जल्दी सोने का नाटक करती है। कुछ देर बाद देखती है विनय एक बॉक्स में से चाबी निकालकर फिर उस कमरे में जाता है। तन्वी भी उसके पीछे जाती है पर आज भी दरवाजा अंदर से बंद था। अगले दिन तन्वी सुबह विनय से कहती है मैं सोच रही हूँ आज कुछ स्पेशल खाना बनाऊं, तुम ये लिस्ट लो और सामान ले आओ ना। विनय कहता है माला को भेज दो। तन्वी कहती है वो मेरी मदद कर रही है। विनय लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है। उसके जाते ही तन्वी उसी बॉक्स में से चाबी निकालकर उस कमरे का दरवाजा खोलती है। जैसे ही तन्वी कमरे में जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी है जिसमें विनय एक लड़की के साथ है। वहाँ बहुत सारी किताबें अलमारी में रखी हैं, टेबल चेयर भी है। इतने में विनय की आवाज़ आती है, तन्वी तन्वी कहाँ हो? अरे मेरा पर्स घर में ही मैं भूल गया, मिल नहीं रहा है। तन्वी गुस्से से उस कमरे से बाहर आती है और विनय भी तन्वी को देख लेता है। तन्वी कहती है धोखेबाज इंसान, तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम्हारा बेटा तुम्हें रोज फोन करता है, तभी तुम फोन आते ही उठकर चले जाते हो और मुझसे ये बात छिपा रहे थे, तभी मैं सोचूं कि मुझ जैसी सामान्य लड़की से तुमने शादी क्यों की। विनय कहता है तन्वी तुम गलत समझ रही हो। तन्वी कहती है अच्छा तो सच क्या है? विनय उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और कहता है वो मैं नहीं मेरा भाई है। तन्वी कहती है अब सच छिपाने के लिए कहानी अच्छी बना रहे हो तुम। विनय टेबल में से एक एल्बम निकालता है और तस्वीर दिखाता है। उसमें विनय और उसके साथ उसी का हमशक्ल एक और लड़का था। विनय कहता है ये मेरा भाई विशाल है, हम दोनों जुड़वा भाई थे। विनय कुछ तस्वीरें और दिखाता है जिसमें वे दोनों भाई अपने मम्मी पापा के साथ थे। तन्वी पूछती है अब तुम्हारा भाई कहाँ है और वो लड़की कौन है तस्वीर में, और वो आर्यन कौन है जो तुम्हें पापा बुलाता है? विनय कहता है मैं और विशाल भैया जुड़वा भाई थे। विशाल भैया मुझसे 5 मिनट बड़े थे। हमारे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार था। जब हम 10 साल के हुए तभी हमारी माँ का निधन हो गया। उसके बाद पिताजी ने हमें हॉस्टल भेज दिया। हम दोनों भाई छुट्टियों में गांव आया जाया करते थे। फिर जब हम
भाई 12वीं पास हुए तब भैया पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसीलिए शहर में रहकर आगे की पढ़ाई करने लगा। पिताजी से मिलने मैं और भैया कभी कभी गांव आ जाते थे। विशाल भैया हमारे गांव की एक लड़की काव्या को बचपन से ही पसंद करते थे। काव्या बहुत गरीब थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। पिताजी और मुझे विशाल भैया की काव्या से दोस्ती पसंद नहीं थी, क्योंकि हम दोनों को ऐसा लगता था कि वो भैया से नहीं उसके पैसों से प्यार करती है। भैया की विदेश से डिग्री पूरी हो गई और वो कुछ दिनों के लिए गांव में रहने के लिए पिताजी के पास आए, पर मैं नहीं आ सका था क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही थी। कुछ महीनों बाद मैं गांव गया और मुझे पता चला कि काव्या किसी के साथ भाग गई। ये सुन मैं बहुत खुश हुआ कि उस धोखेबाज से भाई का पीछा छूटा। मैं और भैया दोनों बहुत व्यस्त रहने लगे, फोन पर भी कम बात होने लगी, मिलना जुलना भी बहुत कम हो गया। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में भैया कभी भी गाँव नहीं आया और हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन मुझे विदेश से एक अनजान नंबर से फोन आया और बोला कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो भैया जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुझे यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया है, और बताया कि जब वो डिग्री कंप्लीट कर पिताजी से मिलने कुछ दिनों के लिए गाँव आए थे, तब उनका काव्या से मिलना जुलना रोज होता रहा और वे दोनों बहुत नजदीक आ गए थे। फिर कुछ दिनों बाद भैया विदेश वापस चले गए। बाद में उन्हें पता चला कि काव्या गर्भवती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और ये बात उन्हें अच्छे से पता थी कि पिताजी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और मैं भी उसे पसंद नहीं करता। इसीलिए भैया ने अपने दोस्त की मदद से काव्या का पासपोर्ट बनवा लिया और उसे विदेश बुलवा लिया। वहाँ उन दोनों ने शादी कर ली। फिर काव्या ने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम आर्यन रखा। वो खुश थे और बताना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं मैं और पिताजी उनसे नाराज होकर हमेशा के लिए रिश्ता ना तोड़ लें। वो और काव्या किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनके साथ हादसा हो गया। काव्या वहीं चल बसी और भैया ने बताया आर्यन घर पर उसकी आया के साथ है, अब तुझे उसका ख्याल रखना है। और ये कहते कहते कुछ देर बाद भैया भी चल बसे। जब मैं भैया के बताए हुए पते पर उनके घर पर गया तो आर्यन मुझे पापा समझकर गले लग गया। मैं उसे सच बता न सका, बस इतना ज़रूर बताया कि उसकी मम्मी अब कभी लौटकर नहीं आएगी। फिर मैं आर्यन को लेकर यहाँ आ गया। 1 साल आर्यन को मैंने अपने साथ रखा, फिर हॉस्टल भेज दिया। पिताजी भैया के जाने का गम बर्दाश्त न कर सके और वो भी चल बसे। आज आर्यन 8 साल का हो गया है और शहर के हॉस्टल में रहता है। जानती हो तन्वी, ये कमरा भैया का था। वे जब भी गांव आते इसी कमरे में रहते। एक दिन मैंने इस कमरे में काव्या और भैया की तस्वीर देखी तो उसे बड़ा करके यहाँ लगवा दी। इस कमरे में भैया की यादें हैं और मैं नहीं चाहता कोई इस कमरे में आए, इसीलिए मैंने इसे बंद कर दिया। मैं ही इसकी सफाई करता हूँ और जब उनकी याद आती है या बेचैन हो जाता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। तब ऐसा लगता है जैसे भैया मेरे साथ ही हैं। ये सब बताते बताते विनय की आंखें नम हो गईं, तन्वी की आंखें भी भर आई। तन्वी ने पूछा, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विनय ने कहा, तन्वी यदि मैं ये बात किसी भी लड़की को बताता तो वो कभी भी आर्यन को स्वीकार नहीं करती। हो सकता है आर्यन के मुझे पापा कहने पर भी एतराज करती और उसे सच बता देती। मैं ये सच कभी आर्यन को नहीं बताना चाहता कि मैं उसका पिता नहीं चाचा हूँ। वैसे भी वो हॉस्टल में रहता है, इसीलिए मैंने सोचा जब तुम थोड़ा मुझसे घुल मिल जाओगी तब सब बता दूंगा। तन्वी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने शक किया। विनय ने कहा, सॉरी, गलती मेरी भी है, मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। मेरी हकीकतों से शक किसी को भी हो सकता है। कुछ दिन गांव में रहकर दोनों शहर आ गए। तन्वी ने विनय से कहा, अब आर्यन को आप घर ले आओ, अब से वो हमारे साथ ही रहेगा, उसे हम दोनों का प्यार चाहिए। आर्यन को लेने दोनों हॉस्टल जाते हैं। विनय आर्यन को बताता है कि ये उसकी नई माँ है। आर्यन ये सुनकर बहुत खुश होता है और तन्वी उसे गले लगा लेती है। फिर ये तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।